आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस. आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, इसमें आपने इस कांस्टेंट p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट. आपको ये दो पार्ट्स गिवन रहती है. अब सबसे पहले ना फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. हमारी पॉलीनोमियल क्या है, सबसे पहले तो ये लिखो कि हमारी पॉलीनोमियल क्या है. px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ये पॉलीनोमियल है. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला तुम्हें, ये कह रहे हैं कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. अब सबसे पहले बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसके कितने जीरोस, टू जीरोस, और वो दो जीरोस को हमने क्या नाम दिया था, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, दो जीरोस थे, दो जीरोस को हमने क्या नाम दिया था, एक तो अल्फा था दूसरा बीटा. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, वन रूट मतलब मैंने पहला रूट उठा लिया, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल. अब दूसरा रूट ये है, इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा, वन अपॉन बीटा, यही होगा. उन्होंने क्या बोला, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो बीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन बीटा. तो ये चीज इन्होंने हमें यहाँ पे गिवन की, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अदर की रेसिप्रोकल की तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन बीटा आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जब भी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यहाँ पे दो रिजल्ट तुमने याद रखने हैं, और वो दो रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट अगर वो तुम्हें कहते हैं कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तब कौन सा रिलेशन यूज करना है, हमने सेकंड वाला, विच इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दिस विल मेक योर कैलकुलेशन इजी. ठीक है, और सेकंड रिजल्ट क्या याद रखना है, कि अगर वो तुम्हें कहते हैं कि वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर, तब हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए वाला. ये ठीक है, ये दो रिजल्ट्स हैं जो कि तुम्हें हमेशा ध्यान रखने हैं. अगर वो तुम्हें कहते हैं कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो आप ये वाला रिजल्ट यूज करोगे. अगर वो कहते हैं वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो ये रिजल्ट, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. ठीक है, चलो अब यहाँ पे वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर बोला था, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए वाला. ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन बीटा, ये हमें गिवन किया हुआ है उन्होंने, कि अल्फा क्या है, वन अपॉन बीटा इंटू बीटा की वैल्यू बीटा ही है इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. सी अपॉन ए की वैल्यू अब यहाँ से कहाँ से आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से. इसको हमने किससे कंपेयर करना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो गई, 8, और a की वैल्यू कितनी हो गई, p. ठीक है, बिट्टा और बिट्टा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 अपॉन p. तो यहाँ से p इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, p into 1 p हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर. क्लियर, एनी डाउट, ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज पार्ट b. उसमें हमने क्या बोला है, वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, एक रूट दूसरे रूट के क्या है, 6 टाइम्स है. तो इसको मैं क्या लिखूंगी, एक रूट दूसरे रूट के 6 टाइम्स है. तो 6 के साथ क्या करना है, टाइम्स मींस क्या करना है, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो अल्फा हमें क्या गिवन है, 6 बीटा गिवन है, ये पार्ट इन्होंने हमें गिवन कर दिया. ध्यान से देखना जरा, इधर देखो ध्यान से, अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा ये दे दिया. हमारे पास दो रिलेशंस होते हैं, हम उन दोनों को यूज करेंगे. कैसे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. अच्छा, अब अल्फा की क्या वैल्यू है, 6 बीटा गिवन है भाई. ठीक है, प्लस बीटा इज इक्वल टू, पहले माइनस लगा है तो पहले माइनस लगा दो. अब बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कंपेयर करो इसको, माइनस 40 अपॉन ए की वैल्यू पी. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, 7 बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया, प्लस अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, पी. अब ये 7 और 14 की कटिंग कर दूं, 2 आ जाएगा, तो बिट्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 अपॉन पी आ गया. इसको हम फर्दर अभी कुछ नहीं करेंगे, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं पे छोड़ दें. अब आ जाओ सेकंड रिलेशन पे, वो क्या था, अल्फा बिट्टा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब अल्फा की वैल्यू फिर से क्या है, 6 बिट्टा गिवन है हमें, वो इनपुट कर दो, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बिट्टा, सी अपॉन ए की वैल्यू, वो तुम चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो इधर से निकाल लो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं. तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 8, और a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, p. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 अपॉन p. ये आ गया 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p. अब बीटा की क्या वैल्यू है, 2 अपॉन p. वो क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 6 इनटू इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1. बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन p का स्क्वायर. बीटा की क्या वैल्यू थी, 2 अपॉन p.
की वैल्यू 2 अपॉन पी यहाँ पे पुट की, उसका स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिया, समझ आई बात? इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन पी, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग 1, समझ आ गई बात? क्लियर? चलो ये क्या बन जाएगा बेटा, 6 इनटू 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। अब यहाँ पे तुम पहले कटिंग करना चाहते हो पहले कर दो, नहीं तो 6 इनटू 4 पहले 24 कर दो फिर कटिंग कर दो, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 24 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी, ये कट गया 3 आ गया, 3 8 24 कटिंग होगी उसकी। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इक्वालिटी के साथ है ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3p is equals to p square, because ये तो 1 ही आ गया ना यहाँ पे, तो हमारा क्या बन गया 3p is equals to p square। ठीक है, अब ये 3p उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, या फिर आप p square को इधर ले आओ एक ही बात है। ठीक है, तो p square माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p is equals to 0, ये भी उधर चला गया ना तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या कॉमन आएगा p, अंदर क्या बचा p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो या तो फिर p 0 या फिर p माइनस 3 0, तो p की वैल्यू एक तो आ गई 0 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई p की 3, तो एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है। अब मुझे ये बताओ क्या p की वैल्यू इस पॉलीनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में 0 हो सकती है? नहीं। Why? Yes. अगर मैंने यहाँ पे p को ही बेटा, अगर यहाँ पे p ही 0 हो गया ये वाला पार्ट ही गया तो ये किसमें चेंज होगी, लीनियर में, क्वाड्रेटिक रही? नो। तो हम यहाँ पे p की 0 वैल्यू क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे p का, बात समझ आई? और यहाँ पे एक चीज जो तुमने समझनी है इस बारी वो क्या है, एक्चुअल में ना बेटा यहाँ पे ना ध्यान से देखो, हमारा 3p is equals to p square आया था। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 3 इंटू पी किया, यहाँ पे 3p था, p कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू 3। ठीक है, अब हमने ये काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, बाकी इसकी सारी क्लैरिटी तुम्हें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगी, बट अब हमने ये काम नहीं करने, कभी भी वेरिएबल को हमने ऐसे कट नहीं करना बेटा। चलो यहाँ पे तो ना हम कर सकते थे क्योंकि p की वैल्यू जो 0 थी वो बाद में रिजेक्ट ही हुई है, बट हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें p की 0 वैल्यू भी आ सकती हो। ठीक है, तो अब ये वाला काम नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ ऐसे है कि तुम्हारी वैल्यू आ गई वो तुम क्वेश्चन के हिसाब से देखो, रिजेक्ट हो रही है तो रिजेक्ट कर दो, समझ आ गई? अब ये वाला पार्ट कोई भी नहीं करेगा। क्लियर? एनी डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलो, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस इज 2/3, अब अगर 2/3 रूट है इस पॉलीनोमियल का तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है, हमारे पास पॉलीनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4। ठीक है, ये पॉलीनोमियल है। अब वो कहते हैं कि 2/3 इसका 0 है तो मैंने x को क्या पुट कर देना है, 2/3, ये मेरी पॉलीनोमियल है ना बेटा। ठीक है, ये पॉलीनोमियल है, इसमें अब मैंने क्या पुट करना है, 2/3, मतलब हम x को क्या पुट करने लगे हैं, 2/3, बिकॉज 2/3 क्या है इसका रूट है। तो p of 2/3 क्या हो जाएगा, 3 into 2/3 का स्क्वायर, जहां x है वहां क्या आ गया, अब 2/3 आ गया। ठीक है, प्लस p into क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 4। अब जब मैंने 2/3 वैल्यू पुट की, इसका आंसर लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। क्लियर? अब बेटा रूट वर्ड और जीरो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम ही होता है, समझ आई? अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्व करो, इसको क्या आ जाएगा, 3 into 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कटिंग होगी, 3 आ गया। ठीक है, 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाले दोनों पार्ट्स को उधर शिफ्ट कर दो, 2p/3 इज इक्वल्स टू -4 -4/3। अब कल ही एलसीएम में बताया नीचे क्या आती है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और ऊपर न्यूमिनेटर में क्या जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 1 हो गया 3, 3 into 4 यहाँ पे आ जाएगा -12, 3 into -4 is -12, 1 into -4 -4। क्लियर? यहाँ पे क्या है 2p/3, यहाँ पे आ गया बेटा आपका -16/3, इधर हो रहा है 2p/3, ये 3 3 कैंसिल, इधर 2 और -16 कैंसिल, कितना आंसर आ गया p का -8। आगे वैल्यू क्लियर है? उन्होंने पहले तुम्हें क्या बोला था, कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, 2/3 इसका रूट है, तो p निकाल लो।
टू बाई थ्री अगर रूट था तो वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, उसका आंसर लास्ट में क्या आएगा, जीरो। वहां से मैंने टी सॉल्व करके निकाल लिया। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द अदर रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है बेटे, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब मैंने इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आई? ये अभी तक ये क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। जब मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे को इसका दूसरा रूट निकालना है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोस, टू। वन रूट तो उन्होंने दे दिया था 2/3, दूसरा वो कहते हैं अब निकाल लें। तो कैसे निकाल लेंगे, ये पी की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे पुट कर दे। तो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विल बिकम, वो क्या बन जाएगी, 3x² प्लस p की वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है, -8। यहाँ पे पुट कर दो, -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, अभी हो जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे रूट निकाल लेंगे, इसका बाय विच मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और हम इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जब हम करेंगे, 3x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, दो नंबर हमने उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 3 4 12, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, -8। मेरे को दो नंबर्स उठाने हैं बेटा जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 × 4 12 आना चाहिए, और प्लस करने पे ये बीच वाला नंबर -8। ठीक है, अब वो क्या कैसे बनेगा, 6 × 2 = 12, और 6 और 2 से -8 कैसे बनेगा। देखो पहली बात तो ना, 6 और 2 दो नंबर तो आ गए। अब यहाँ पे ना बेटा तीन केसेस बनाते होते हैं हम, वो कैसे, या तो दोनों के आगे माइनस, या फिर 6 के आगे माइनस, या फिर 2 के आगे माइनस। अब मेरी बात सुनो, -6 और -2 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाना है। -6 और -2 को जब हम प्लस करेंगे तो -6 + -2 कितना आ जाएगा, ये -6 - 2 मतलब कितना आ गया, -8। बन गई कंडीशन, होगी सेटिस्फाइड, बाकी की तो हमने चेक ही नहीं करनी। एंड मोर ओवर, अगर तुम इनको प्लस भी करोगे तो बेटा यहाँ पे आंसर -4 आएगा, हमें -8 चाहिए। इधर 6 + -2, 6 - 2 बन जाएगा, वो 4 आंसर देगा, -8। समझ आ गई बात। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है ना कि नंबर पता लग गया कि साइन कैसे लगाएं, साइन के ये तीन केसेस बना लिया करो, या तो दोनों पे माइनस आएगा या फिर एक एक पे माइनस आ जाएगा, हमेशा ऐसे केसेस बना के देख लिया करो और सेटिस्फाई करवा लिया करो। चलो अब यहाँ पे लगना है दोनों पे माइनस, ये आ जाएगा 3x² - 6x - 2x + 4 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन 3x, अंदर क्या बचा, x - 2। अब इन दोनों में से कॉमन 2, बट यहाँ पे कॉमन क्या और लगाना पड़ेगा, माइनस भी, ताकि x के आगे माइनस ना आए। तो यहाँ पे -2 निकाला, इधर बचा x, बिकॉज ये वाला पार्ट गया, क्या बचा x, तो अंदर यहाँ पे क्या आएगा, -2, ताकि -, फिर तभी क्या बनेगा, प्लस, इक्वल्स टू 0। तो x -2 फिर से कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारा 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये फैक्टर 0 या ये फैक्टर 0, ये वाली 0 वो ऑलरेडी दे चुके थे, x माइनस टू हमारी दूसरी 0 आ गई। अगर तुम्हें सेफ साइड लेके चलना है तो तुम ये वाली चीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वैल्यू उन्होंने हमें गिवन थी हुई, तो ये हमारी जो अदर 0 उन्होंने पूछी थी वो ये निकल गई 2। क्लियर? एनी डाउट? नोटेड डाउट। चलो अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या गिवन है, कहते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, हमें एक उन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे दी, x² + 3x - 3x + 2, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे दी जिसके जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा है। उन्होंने क्या बोला, कहते हैं देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज जीरोस आर 1/α and 1/β। हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस क्या हो, ये। अब जब भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालनी होती थी, हमने एक 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 किया था जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन किया था। ठीक है, 2.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 किया था जिसमें उन्होंने सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दे दी थी। ठीक है, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का क्या मेथड दिया था, क्या स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल की थी, x स्क्वायर
माइनस एसेट्स प्लस पी, वेयर एस इज द सम ऑफ द जीरोस एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. अब अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta. ये चीज हमने निकालनी है. ये मेरी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है बेटा. अब अगर ये दो जीरोस हैं, अगर ये दो जीरोस हैं, तो इनका सम क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस क्या बन जाएगा? इन दोनों का सम बेटा. अभी तो हमने पॉलीनोमियल निकाली नहीं, तो बी और ए पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, सम करना है मतलब ये चीज होगी सम. ठीक है, और प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, जो कि आंसर क्या दे देगा? 1 अपॉन अल्फा बीटा. ठीक है, बात समझ आई यहां तक? क्लियर है. अब अगर आप इसको भी अभी सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेते हैं सॉल्व. यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़े टाइम के लिए रब करते हैं जरा, इसमें अभी हम बाद में आएंगे दोबारा. अब सम ऑफ द जीरोस, अब मैंने एलसीएम के टाइम क्या बोला है? नीचे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और ऊपर, तो बीटा इंटू 1 और अल्फा इंटू 1 कितना हो गया? इसके आगे तो नहीं कुछ कर सकते, अब इसको यहीं पे छोड़ दो. ठीक है, अब नाउ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विल बी ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म की होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. अब सम हम निकाल चुके हैं बेटा, तो सम की वैल्यू क्या है? ये पुट कर दो, मैं इसको ऐसे लिख दू, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है? 1 अपॉन अल्फा बीटा. इतना हो गया, हो गया. अच्छा, अब ये जो पॉलीनोमियल गिवन थी, इसका भी तो कुछ यूज करेंगे ना बेटा. क्या पॉलीनोमियल थी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब इसकी जीरोस क्या गिवन है? अल्फा बीटा. ये दोबारा देखो, सारा सब छोड़ दो, दोबारा देखो कि क्वेश्चन में क्या था. कहते अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ठीक है, हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस क्या हो दिस. अब अगर ये दो जीरोस हैं, इनका मैंने पहले निकाला सम, ये दो जीरोस का, फिर मैंने इनका निकाला प्रोडक्ट. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए यूज होनी है बेटा, वो कौन सी यूज होनी है? ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी फाइंड आउट यूज होगी. तो मुझे सम भी चाहिए और मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए, तो पहले मैंने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. ठीक है, अब मुझे ये गिवन था कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, अल्फा बीटा इसके जीरोस है. तो बेटा अगर मैं इसका रिलेशन लगाऊं बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस बी अपॉन ए. तो अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूं, तो सी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस 3 और ए की वैल्यू 1. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो माइनस लगा हुआ है, लगा दो. बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 और ए की वैल्यू 1. तो अल्फा प्लस बीटा की बेटा मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 3. क्लियर. और नेक्स्ट जो मेरा रिलेशन है वो क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ठीक है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए अगर है, तो सी की वैल्यू हमारी क्या निकली हुई है? 2 और ए की वैल्यू 1. तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी चाहिए, पुट कर देंगे. ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी चाहिए, वो निकाल ली, यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3. अल्फा बीटा की वैल्यू 2, पुट कर दो. 1 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 2. अब सिंपली इसका क्या करना है? एलसीएम, दैट्स इट, हमारा पार्ट हो जाएगा खत्म. ये क्या हो जाएगा? माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2. एलसीएम लो 2 आ जाएगा. अब 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर. 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 इंटू माइनस 3x माइनस 3x. 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 इंटू 1 1. अब ये 1 बाय 2 जो हम बाहर निकाल लेंगे, इसको बाद में हम क्या पुट कर देते हैं? कोई भी एक कॉन्स्टेंट. ठीक है, क्योंकि हमने किया था कि कोई पॉलीनोमियल को चाहे किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, हमारे जीरोस की वैल्यू चेंज नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पे के हो गया. तो जब मेरे को इसको स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल में लिखना होगा, तो मैं क्या लिख दूंगी? 2x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आई बात? क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने तुम्हें ट्राई और सेल्फ बोला था कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, ये वाला रिलेशन भी तुम्हें दे दिया। कैसे करेंगे? एक हिंट दे रही हूँ, सॉल्व तुमने खुद करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो हमारी पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन अगर मैं अल्फा बीटा का लगाऊं, बेटा पहली बात तो जीरोस है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट लगाना ही पड़ेगा। अब अल्फा प्लस बीटा एक्चुअल में क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे अब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए बेटा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो पड़ा है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ए, x का कोएफिशिएंट इज b एंड कांस्टेंट टर्म क्या होती है, c। ठीक है, तो पहले माइनस लगा है, माइनस लगा दो। b की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स, और a की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बिट्टा ये आ गया, कितनी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बिट्टा की, 6। ये बेटा तुम्हारी पहली इक्वेशन होगी, और तुम्हें दूसरी इक्वेशन गिवन है, वो क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बिट्टा इज इक्वल टू 20। ये सेकंड इक्वेशन होगी, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे? कैसे करोगे इसको सॉल्व? बिट्टा की वैल्यू निकाल लो, चाहे अल्फा की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दे। बात समझ आई? तुमने क्या करना है, सपोजिंगली यहीं से कंक्लूड कर लो कि तुम्हारी अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6, बिट्टा प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस अल्फा की वैल्यू को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको छोड़ दो। इस अल्फा की वैल्यू को किसमें पुट करना है, 2 में। Put value of alpha from equation 1 in equation 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 into 6 minus beta plus 2 beta is equals to 20. ठीक है, ये कितना हो गया, 3 6 18 minus 3 beta plus 2 beta is equals to 20. यहाँ पे कितना आ गया, 18. 2 minus 3 minus beta हो जाएगा, 2 बिट्टा माइनस 3 बिट्टा इज माइनस बिट्टा इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो माइनस बिट्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18, उधर जाके क्या हो गया, माइनस। और 20 माइनस 18 इज 2, माइनस भी उधर शिफ्ट हो गया, तो बिट्टा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। अब इस बिट्टा की वैल्यू किसमें पुट हो जाएगी, अल्फा वाली टर्म में, तो अल्फा क्या आ जाएगा, 6 माइनस, ये इसमें बेटा पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो 6 माइनस माइनस 2 हो जाएगा बिट्टा, तो 6 प्लस 2 कितना आंसर आ गया, 8। बात समझ आई? इस बिट्टा की वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया बेटा, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, ये बिट्टा की वैल्यू उठा के इधर इक्वेशन को 1 में पुट की है, तो 6 माइनस बिट्टा की वैल्यू कितनी थी, माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अल्फा आ गया, बिट्टा आ गया, बट ए निकालना है, तो उसके लिए सेकंड रिलेशन यूज कर लेंगे कि अल्फा बिट्टा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 8, बिट्टा की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, ए अपॉन, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1। और यहाँ पे ना कंफ्यूज ना हो जाना, बिकॉज ए ए दो यूज है बेटा, ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का, ये कांस्टेंट टर्म वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस 16, एंड दिस इज आवर आंसर। मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, बात समझ आ गई? यहाँ पे उन्होंने क्या रिलेशन यूज किया था, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 तुम्हें गिवन कर दिया था, कह रहे थे इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की a की वैल्यू निकालो। तो मैंने दोनों रिलेशंस को यूज किया, पहले मेरे अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू को मैंने इधर पुट कर दिया हमारे जो सी अपॉन ए रिलेशन यूज करके, यहाँ से ए की वैल्यू निकल। ए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है बेटा, एंड अगर किसी को ज्यादा कंफ्यूजन है ना, तो बेटर है कि तुम यही यूज करो, ये कैपिटल सी और ये कैपिटल ए, और यहाँ पे भी कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल ए। एक क्वेश्चन में कभी भी दो सेम वेरिएबल्स मत ही यूज करो, बेटर वही रहेगा।